नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। यदि अगस्त का महीना हो और वह भी 15 तारीख के आसपास, तो मुझे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे भी आज मैं आजादी के समय के कुछ पहलुओं पर ही बात करूंगा। हम सब जानते हैं देश स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 1947 में यह दिन खुशी का दिन था या दुख का दिन, या एक किस्म का मिक्स्ड इमोशंस वाला दिन? देश आखिरकार विभाजित हो रहा था, दो अलग अलग राष्ट्रों में बट रहा था। ये 15 अगस्त 1947 की कई त्रासदियों में से एक थी कि हर कोई नहीं जानता था कि वे भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के, उनका गांव हिंदुस्तान के हिस्से आएगा या पाकिस्तान के। एक मुख्य कारण था, बहुत से लोग इस बात को लेकर अनिश्चित थे, क्या उन्हें अपना जन्म स्थान जहां वे पले बड़े उनको छोड़कर चले जाना चाहिए। फैसला बहुत गंभीर और जटिल था। इसी वजह से माइग्रेशन और पॉपुलेशन ट्रांसफर 1947 के बाद भी कई वर्षों तक चलता रहा। एक और कारण था, लोगों को पता नहीं था 15 अगस्त को भी वे भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के। इसका क्या कारण था? यद्यपि सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं थी 12 जुलाई को फाइनलाइज कर दी थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी घोषणा नहीं की। उन्होंने सोचा खुशी के माहौल में दुख का डोज क्यों दिया जाए। उनको यह भी चिंता थी कि भयंकर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएंगे। दंगे तो रुके नहीं, बल्कि यूं समझिए और भयानक हो गए। आजादी के पूरे प्रोसेस पर या फिर उस दिन के कुछ हाइलाइट्स पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कई किताबें भी लिखी गई हैं कई भाषाओं में। देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के रूह कपा देने वाला भाषण के बारे में ना सुना हो। लॉन्ग years ago, वी मेड अ tryst विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स when वी shall redeem our pledge, नॉट wholly और इन फुल measure, बट वेरी substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Lekin विभाजन की हार्ट ब्रेकिंग प्रोसेस के बारे में विस्तार से बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, या यहां तक कि 14 अगस्त से 17 अगस्त के बीच पाकिस्तान की आजादी के दिन से, जब रैडक्लिफ कमीशन के नक्शे जारी किए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि कौन से शहर, कस्बे और गांव भारत या फिर पाकिस्तान में थे। ऐसे ही एक किताब मैंने हाल ही में मैंने पढ़ी है, शीर्षक है फ्रीडम एंड पार्टीशन, मोमेंटस इवेंट्स ऑफ 14-17 अगस्त 1947 इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये वो किताब है। ये पुस्तक सिंगापुर स्थित दो इतिहासकारों ने, तान ताई योंग और ज्ञानेश कुदेसिया द्वारा लिखी गई है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कुदेसिया
भारतीय मूल के हैं। लेखकों की इस जोड़ी ने दक्षिण एशिया के इतिहास, खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर बहुत विस्तृत शोध किया है। सन 2000 में उन्होंने एक विस्तृत किताब लिखी थी, नाम था द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टीशन इन साउथ एशिया। उस वक्त तक इस विषय के बारे में, माने विभाजन की प्रक्रिया का एलैबोरेट डिपिक्शन और लोगों पर इसके प्रभाव क्या थी उसकी जांच एकेडमिक रिगर और राइटिंग में क्लैरिटी के साथ नहीं की गई थी तब तक। वे नवीनतम किताब, ये वाली नवीनतम किताब भारत के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में पुरानी किताब के एक छोटे से अध्याय का विस्तार है। इसमें कोई शक नहीं, बंटवारा एक बहुत दर्दनाक हादसा था। जो परिवार विस्थापित हुए उन्हें कई साल लग गए दोबारा स्टेबिलाइज होने में। बहुत परिवार कभी भी बाउंस बैक नहीं कर पाए। विस्थापित परिवारों को जिन कॉलोनियों में रहने के लिए जमीन या फिर घर दिया गया था उन्हें आधिकारिक तौर पर या फिर बोलचाल में रिफ्यूजी कॉलोनी कहा जाता था, काफी डेरोगेटरी तरीके से। क्या आपको मालूम है नई दिल्ली में चितरंजन पार्क, जी हां, आजकल एक बहुत पॉश कॉलोनी है, इसको एक जमाने में ईपीडीपी कॉलोनी कहा जाता था। इसका पूरा नाम क्या था? ईपीडीपी, ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्संस कॉलोनी, यानी जो आज के बांग्लादेश से आए थे, शरणार्थी थे, उनके लिए ये कॉलोनी बनी थी। तांताई योंग और ज्ञानेश कुदेसिया ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक 2021 में लिया गया फैसले का जिक्र किया है। 2021 में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले उन्होंने घोषणा की 14 अगस्त को अब से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को एक इमेंस सैडनेस के दिन के रूप में मनाने का निर्णय की निंदा दोनों देशों में हुई थी, सिविल सोसाइटी द्वारा, वहां के सरकार ने भी की थी। लेखकों के अनुसार ऑब्जर्वेंस के इस रूप से इसे एक यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर दिया गया। उनके मत में 14 अगस्त के बजाय विभाजन की त्रासदी को ऑब्जर्वेंस के तौर पर अगर मार्क करना था तो 17 अगस्त ज्यादा अप्रोप्रिएट दिन होता, क्योंकि 1947 में इस दिन को बाउंड्री कमीशन के बनाए हुए मैप्स रिलीज किए गए थे। फ्रीडम एंड पार्टीशन के लेखकों ने पुस्तक में यह भी बताया भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी मेजर वाटरशेड एनिवर्सरीज स्वाधीनता के कैसे मनाई थी। 1957 में 10वीं, 1972 में 25वीं, 1997 में 50वीं और 2022 में 75वीं। 1972 में 25वीं वर्षगांठ समारोह में इंदिरा गांधी सरकार ने 15 अगस्त 1947 की रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रसिद्ध सत्र का एक सिमुलेशन करने के लिए संसद में मध्य रात्रि सत्र का आयोजन किया था। 1947 में उस सत्र में भाग लेने वाले संविधान सभा के 27 जीवित सदस्यों को 1972 में पार्लियामेंट के इस विशेष सत्र के लिए विजिटर्स गैलरी में आके बैठने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेखकों ने यह भी लिखा उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में जो अल्टीमेटली जाकर विभाजित हुए, वहां भारी संख्या में लोगों के लिए ये घटना आजादी का जश्न नहीं, विभाजन या बंटवारा का
दुख भरा एक एपिसोड था। विशेष रूप से तीन ग्रुप्स ने 15 अगस्त को जुबिलेशंस के दिन के रूप में नहीं देखा। पहला ग्रुप राष्ट्रवादी मुसलमानों का था। यह लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वे सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे और अपने लिए भारत को चुना था। दूसरा समूह एक्सट्रीम हिंदू राष्ट्रवादियों का था। उनके लिए ये भारत माता का विभाजन था। हिंदू महासभा के नेता और संघ परिवार के प्रतिष्ठित आइकन विनायक दामोदर सावरकर ने 15 अगस्त के समारोहों के बहिष्कार का कॉल दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, अपने सपोर्टर्स से कहा, विभाजन को कभी स्वीकार ना करें और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कभी भी रिकग्निशन ना दें। तीसरा समूह पंजाब और बंगाल के लोग थे। वे सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे क्योंकि सीमा के दोनों ओर माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे थे लगातार और उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा था। पाकिस्तान से हिंदू इधर आ रहे थे और भारत से मुसलमान चले जा रहे थे। आप सब जानते हैं 16 अगस्त 1947 को नेहरू ने लाल किले पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। इस समारोह में 10 लाख लोग शामिल हुए थे। पता नहीं कहां कहां से आए थे। दिन भर उत्सव होते रहे और दोनों लेखकों ने आयोजन स्थल के सिंबलिज्म की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये हिंदुस्तान की इंपीरियल स्टेट सिस्टम का प्रतीक था। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और आजाद सरकार ने इस स्थान पर रेड फोर्ट पर प्रेजेंस मार्क किया। हिंदुस्तान ने लोकतंत्र का रास्ता चुना था। विभिन्न पर्सपेक्टिव्स स्वाभाविक थे। लाल किला मुगल सत्ता का भी प्रतीक रहा था। भारत का विभाजन उन मुसलमानों के लिए चिंता का विषय था जिन्होंने पाकिस्तान न जाने का निर्णय लिया था। 1857 में सिपाही विद्रोह या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की हार के बाद लाल किले पर यूनियन जैक होइस्ट किया गया था। सरकार द्वारा इस स्थान पर कब्जा करने से माइनॉरिटीज की अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। समय के साथ चिंताएं कम हुई और विभाजन के रक्तपात के बाद शांति लौट आई। बहुत सी समस्याएं बनी रही लेकिन फिर भी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने और मिडिल पाथ खोजने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। हाल के वर्षों में नई चुनौतियां सामने आ गई हैं हम सब के और आप इससे अच्छी तरह से अवगत हैं। एक बार फिर से कॉमन पाथ खोजना है, यही हमारा कर्तव्य है। नमस्कार।